हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग्स एंड रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत ही कम मसालों में बनाकर तैयार करूँगी, तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए और इस सब्जी को एक बार अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनती है। तो चलिए फिर कुंदरू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ कुंदरू, जो कि लगभग 250 ग्राम कुंदरू है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और सुखा लिया है। और अब हम चाकू की सहायता से इसके दोनों किनारों को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके दोनों किनारों को ऐसे कट कर ले रही हूँ। इसी तरह हम सारे कुंदरू के किनारों को कट करके ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे कुंदरू के किनारों को कट कर लिया है। और अब हम इसको बीच से ऐसे लंबाई में कट करेंगे और इसको पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इसको हमें पतले पतले पीसेस में ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एक बार लंबाई में कट करके उसके बाद इसको पतले पतले पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे कुंदरू को अपने कट करके ले लेते हैं। और यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ मैंने तड़के के लिए लिया है लहसुन और हरी मिर्च, इसमें मैं प्याज का यूज नहीं करूँगी। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से हमारे जब भुन जाए तब हम इसमें जो हमने लहसुन काट के रखा था उसको डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अपने स्वाद के अनुसार तीखे को कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको चलाएंगे और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ऐसे चलाते हुए लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून ले रही हूँ। और जब हमारा लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें जो हमने कुंदरू की पतली पतली पीसेस कट करके रखी थी उसको डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे कुंदरू जो हमने कट करके रखे थे डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें तेल हमारे सारे कुंदरू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुंदरू अच्छे से पक रहे हैं। हम इसको एक बार और चला देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर इसके बाद हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट फिर से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुंदरू की सब्जी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। इसको मैं चलाती हूँ थोड़ा सा। और अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुंदरू अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अचार का मसाला। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं।
इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें आम अचार का मसाला डालकर इसको 2-3 बार अच्छे से चला देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ढककर। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुंदरू की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी सब्जी बनी है हमारी। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ सूखी सब्जी के रूप में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और ये बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी रेसिपी से जुड़ी हुई नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।